गोहाना में मिनी सचिवालय पर भारतीय किसान यूनियन ने के पदाधिकारी का हल्ला बोल देखने को मिला है और वही शुगर मिल चलवाने को लेकर चौथी बार गोहाना के SDM और शुगर मिल MD आशीष वशिष्ठ के सामने अपनी मांग की है। किसानों ने 1,80,00,000 सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर भी ब्याज की डिमांड की है। वहीं ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य समय रहते हुए नहीं हुई तो गोहाना के शुगर मिल उद्घाटन के दौरान किसान और भारतीय किसान यूनियन विरोध करेगी। गोहाना के SDM ने कहा है कि शुगर मिल का ट्रायल चल रहा है, जल्दी ट्रायल पूरा होते ही शुगर मिल चलाया जाएगा। गोहाना के मिनी सचिवालय के सामने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने शुगर मिल चलाने वाले को लेकर प्रोटेस्ट किया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन को कई बार शुगर मिल चलाने को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है। किसानों ने मांग की है कि 1,80,00,000 किसानों की सिक्योरिटी जो के त्यों है। किसानों ने मांग की है कि बकाया राशि का ब्याज भी उन्हें मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि पिछले साल 18 नवंबर को गोहाना के आहुलाना गन्ने मिल की शुरुआत हो गई थी। किसानों का कहना है कि शुगर मिल चलवाने को लेकर चौथी बार प्रशासन से मिलने के लिए आए हैं। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल में कर्मचारी और अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है। जिस रास्ते से किसान अपने गन्ने को लेकर आता है वहां पर रास्ते अभी तक दुरुस्त नहीं किए गए हैं, सड़कों की स्थिति बदहाल है, गड्ढों के बीच ट्राली पलटने का खतरा रहता है। किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि शुगर मिल शुरू होने से पहले सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो शुगर मिल के पिराई सत्र समारोह के दौरान किसान विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। गन्ने की फसल पककर तैयार हो जाती है नवंबर में, और नवंबर के अक्टूबर के लास्ट में भी कई मिल चल पड़ते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जानबूझकर कोई भी मिल नहीं चलाया, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। जो हरियाणा सरकार BJP सरकार है उसके कुछ सहयोगी हैं जो सिरे का कारोबार करते हैं, और गन्ने की एक खासियत है जो गन्ना पहले हम क्रशिंग करते हैं उसमें सिरा कम बनता है, लास्ट वाले में ज़्यादा बनता है। मिल प्रशासन पर हरियाणा सरकार ने दबाव डालकर जानबूझकर मिल लेट करवाए हैं जिससे कि सिरे की मात्रा ज़्यादा हो और वो उनके सहयोगियों को फायदा पहुँचे, क्योंकि अगले सीजन के लिए उनको सिरा रखना है। अगले सीजन में गन्ने की भी बिजाई कम हुई है, उसको देखते हुए जानबूझकर हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ षड्यंत्र रचा है, और अब भी और मिल लगभग हरियाणा के चल चुके हैं और गोहाना वाला मिल अभी तक चलने की स्थिति में नहीं है। और हम हरियाणा सरकार के नाम और SDM साहब को, मिल MD को लगातार 4 बार मिल चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं मिल चलवाने के लिए। 1 नवम्बर को चलवाना चाहते थे, फिर हम 10 नवम्बर को आए, फिर हम 15 नवम्बर को आए, आज फिर आए हैं। 24 को इन्होंने कहा था 24 को लास्ट है, अब मिल चलवा देंगे, लेकिन आज 24 तारीख है, मिल लगभग ऐसा लगता है कि शायद हफ्ता 10 दिन और नहीं चल सकता। लेकिन हम मिल प्रशासन को एक चेतावनी देते हैं, जल्दी से जल्दी मिल चलाओ, नहीं तो हम 30 तारीख को, आज ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया 30 तारीख को हम गन्ने की ट्रेली मिल में लेके आएंगे, ये मिल चलाओ या नहीं चलाओ। अगर मिल 2 दिन लेट होता तो हम गन्ने का वजन करके और यहाँ डाल के चले जाएंगे, उसका खामियाजा सरकार खुद भुगतेगी या मिल प्रशासन भुगतेगा। जो हमारे से बाद में मिल बंद हुए थे वो भी मिल चल पड़े, हमारे में ऐसी क्या समस्या आई है। गन्ने की फसल जब पक जाती है और उसको काटने के बाद हम किसान गेहूं की बिजाई करते हैं, अब गेहूं का सीजन है, लेकिन जितना लेट होगा उतना किसानों को नुकसान होगा, और एक और नुकसान हो गया, इन्होंने 24 तारीख से पहले मिल चलाने के लिए कहा था, लगभग सभी किसानों ने अपनी लेबर बुला ली, लेबर आज ऐसा है एडवांस में पैसे लेके आती है, अगर वो 2 दिन खाली बैठ गए तो भाग जाएंगे। हमारे गांव में मुड़लाना गांव है, 2 किसानों की लेबर भागी जो कि 2,00,000 रुपए दे के लेके आया था, अब वो उनके पीछे भागता रहेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान किसान उठा रहे हैं, और उसकी जिम्मेवारी सारी मिल प्रशासन की और हरियाणा सरकार की है। भाई मिल चलवाने के और कई कारण हो रहे हैं, एक तो 1,80,00,000 जो पिछले साल की हमारी किसानों की सिक्योरिटी कटी हुई थी वो सिक्योरिटी जंगी तो है, उसका जब ब्याज भी हम लेने लग जाए उसका ब्याज नहीं देगा मिल का, एक तो किसान का एक तो सरासरी घाटा जो अपना गन्ना डाल गया 1 साल का होगा, पिछले साल 18 नवंबर को मिल की ओपनिंग थी, मतलब वो आज 24 नवंबर हो लिया है, तो मतलब 6 दिन ऊपर हो लिए हैं, 1 साल से भी 6 दिन ऊपर, वो जो किसानों का वो बकाया पैसा 1,80,00,000 रुपया उसका ब्याज लेंगे हम। एक चलवान के बारे में चौथी बार आए हैं, ऐसे बदर वो जो कर्मचारी अधिकारी इस शुगर मिल के हैं ना, हमें हरियाणा में किसी के भी नहीं देखे। मैम शुगर मिल 25 जून को बंद हुआ है और वो 2-3 दिन हो लिए वो चालू हो गया है, वो उसका भी तो काम हुआ है, इससे 1.5-2 महीना बंद पीछे बंद हुआ वो हुआ। एक हमें
मिल के चलवाने के साथ साथ रस्ते के भी बार बार बोल दिया, चार बार ही बोल दिया जो हमारे रस्ते हैं गन्ना लेगा किसान वो चार उसके चुकड़ते के जो रोड हैं वो बिल्कुल गड्ढे हैं उनमें रोड में, वो ट्राली पलट जाए किसान का वो काफी नुकसान है। जब साइड में कोई भी कलजा है गन्ना की ट्राली पलट जाए तो उसके जीने का कोई वो नहीं है, बाइक है या कार है साथ में जा है क्योंकि उसमें वजन जाता होता है गन्ने में, उसमें काफी गड्ढे हैं, गड्ढे का भी साथ में है। और ये पिछली बार भी हमें बोला था और अब भी आज फिर बोल रहे हैं, अगर कोई भी यहाँ सरकार का नुमाइंदा यहाँ उस ओपनिंग पर आता है मुहूर्त करने आता है अगर जब उसका हम बहिष्कार नहीं करें हमारे रास्ते ठीक नहीं हो हम उसका बहिष्कार करेंगे। वही मामले को लेकर गोहाना के SDM आशीष वशिष्ठ ने कहा है कि गोहाना के शुगर मिल को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी उनसे मिले हैं। शुगर मिल में बॉयलर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जल्दी शुगर मिल चलाया जाएगा, शुगर मिल का ट्रायल चल रहा है, जल्दी ट्रायल पूरा होते ही शुगर मिल सुचारू होगा। ग्रामीण क्षेत्र में खराब सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जल्दी दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं किसानों के बकाया राशि को लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया है। हाँ, किसान यूनियन के पदाधिकारी और कुछ जमींदार मिले हैं और शुगर मिल के रिगार्डिंग था, तो शुगर मिल हम जल्दी चला रहे हैं और उसमें हमारा बॉयलर का काम चल रहा है, वो जल्दी अभी ट्रायल पे है और ट्रायल होते ही हम मिल चला देंगे। और भी समस्याएं बताएं सर, करोड़ की एक जो बॉन्ड बड़ा पेंडिंग। हाँ, कुछ जो रोड थे BNR के उन रोड्स के थे गड्ढे हैं कुछ जगह पे, तो BNR SDO और एक्शन से बात हुई है, उनको दुरुस्त करा दिया जाएगा। जो बॉन्ड जब तक पिछले पेमेंट बता रहे हैं। हाँ, कुछ पेनल्टी का है उसमें, ऊपर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी।